नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भारत जंगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल, क्योंकि आज हम चेक करने वाले हैं, रिपेयर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक प्लेनर मशीन। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं वुड प्लेनर मशीन है। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे 1900B इसका मॉडल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल प्लास्टिक बॉडी के अंदर ये आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरीज के अंदर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे सीरीज का जो प्लग है इसके अंदर हमने देखिए मशीन को लगा दिया है, और इसके बाद में ऑन ऑफ स्विच को हम चेक करें तो मशीन की कंटिन्यूटी यहाँ पे हमारी बिल्कुल आ रही है। तो एक बार हम इसको डायरेक्ट सप्लाई देकर चलाकर चेक करेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए मशीन स्पार्क कर रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से और झटके भी मार रही है। तो मशीन का बिल्कुल उस तरीके से मशीन चल रही है जैसे आर्मेचर शॉर्ट हो। और इस टाइम दोस्तों ये देखिए कंटिन्यूटी भी बिल्कुल इसकी जा चुकी है, मशीन एक दो झटके मारकर बंद हो गई है। तो अब देखिए स्विच को हम दबा रहे हैं, बाकी मशीन के अंदर कोई एक्शन नहीं है यहाँ पे। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको हमेशा यहाँ पे सीरीज के अंदर ही चेक करनी है। ये देखिए स्विच को हमने यहाँ पे होल्ड कर दिया है, तो सीरीज के अंदर आपको कंटिन्यूटी इस टाइप से आप गेयर या कोई भी उसका मशीन का स्पेंडल को घुमाकर इस टाइप से चेक कर सकते हैं। तो बल्ब हमारा देखिए कहीं पे ग्लो कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है। तो ये वर्क है, आप बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई में कभी नहीं कर सकते क्योंकि मशीन तेज भी चल सकती है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सीरीज के अंदर आपको मशीन को लगाकर इस टाइप से चेक कर लेना है। तो दोस्तों कहीं पे इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, कहीं पे नहीं आ रही है। तो फील्ड कॉइल तो कंटिन्यू इसका काम कर रहा है, बाकी जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जो हमारा कम्यूटेटर है कहीं पे कंटिन्यूटी दे रहा है, कहीं पे नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले इसके जो कार्बन बुश है मशीन के, यहाँ पे खोलकर चेक कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे कोई भी जानकारी यहाँ पे मिस नहीं हो। तो कार्बन इसका बिल्कुल ओके है, और ये देखिए इधर वाला कार्बन खोलने से पहले हमें यहाँ पे ये जो इसका डस्ट गार्ड लगा हुआ है ऊपर की तरफ, जो कि जो लकड़ी का बुरादा होता है वो साइड में जाए और जो मशीन चलाने वाले के मुंह पर नहीं आए, तो इसको खोलना है। इसके बाद में यहाँ पे जो कार्बन है, दूसरा कार्बन की कैप को यहाँ पे हमने खोल दिया है। और ये देखिए कार्बन, ये भी बिल्कुल कार्बन दोनों ओके हैं इस मशीन के, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में दोस्तों मशीन में अंदर ही कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें खोलना होगा मशीन को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए फैन बेल्ट का जो कवर लगा हुआ है इसको खोलेंगे। तो इस मशीन में यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए हैं, दोनों को यहाँ पे खोलकर कवर को अलग कर देंगे। तो कवर को हमने अलग कर दिया है। इसके बाद में फैन बेल्ट को इस टाइप से आपको एक दो स्टेप में आसानी से उतर जाएगा, वन बाय वन एक एक लेयर जो पुली की आपको उतारनी है, क्योंकि बेल्ट भी आपकी बिल्कुल डैमेज नहीं होगी और पुली भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो बेल्ट निकालने के बाद में ये सभी पेचों को यहाँ पर खोल लेंगे। तो दोस्तों चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी टाइप के पावर टूल्स और होम अप्लाइसेंस, कोई भी मोनोब्लॉक, सभी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है और पूरी नॉलेज आपको हम इसमें देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए आगे का जो हमारा इसका कवर था पूरा खोलने के बाद में, यहाँ पर ये देखिए जो राउटर का जो बैरिंग है पीछे वाला, उसके ऊपर जो कैप लगी हुई थी उसको यहाँ पे निकाल दिया हमने, और यहाँ से हल्का सा इसको ठोकेंगे, ज़्यादा नहीं ठोकना, हल्का सा, जो कि यहाँ पे हल्का सा गैप बन जाए। उसके बाद में आगे की तरफ से इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आराम से निकाल लेना है। तो दोस्तों ये देखिए काफ़ी आसानी से जो मशीन है पूरी खुल जाएगी। तो दोस्तों इसमें तो कुछ लोचा कुछ गहरा ही है, तो यहाँ पर देखिए कुछ रगड़ का सा निशान भी इसके ऊपर दिखाई दे रहा है आर्मेचर के ऊपर, और यहाँ से इसके वायर भी कटे हुए हैं, यहाँ पर ये डैमेज है इसकी। तो दोस्तों ये हीटिंग या कोई वायरिंग वगैरह का फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसकी वाइंडिंग डैमेज है, जो आर्मेचर की वायरिंग है पूरी डैमेज है। यहाँ पे कम्यूटेटर बिल्कुल ओके है और कहीं से शॉर्टिंग भी नहीं है, देखिए कहीं से भी कोई शॉर्टिंग नहीं है कम्यूटेटर के ऊपर। तो चलिए एक बार इसको हम साइड में रखते हैं और मशीन को अंदर से चेक कर लेंगे फिजिकली। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसके अंदर भी कुछ, यहाँ पर ये देखिए फील्ड की जो कॉइल है डैमेज है। और दोस्तों देखिए बिल्कुल जो इसका दुश्मन है वो अंदर बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक बार, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से मशीन को इसने घायल कर दिया है। तो ये देखिए स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, जो कि बिल्कुल ख़तरनाक वाला स्क्रू है। तो इसे हम चिमटी की मदद से निकालेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों ये देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, जिस वजह से पूरी मशीन का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये देखिए वो रीजन आपके सामने है।
तो दोस्तों मशीन ठीक करना ही ज़रूरी नहीं है, मशीन का रीजन सबसे पहले पता लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों ये देखिए स्क्रू जो कि मशीन के अंदर यहाँ पे आ गया था, इसने पूरी मशीन को यहाँ पे डैमेज कर दिया है। शुक्र है जो फील्ड कोयल की कंटिन्यूटी अभी आ रही है, बाकी ये भी देखिए यहाँ से डैमेज हो चुकी है। बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें थोड़ा सा वार्निश डालने के बाद में ये ओके हो जाएगी। और ये देखिए दोस्तों इसने यहाँ पे बीच में आकर रगड़ मार के मशीन को भी अनबैलेंस करके चलाया है। और ये देखिए पीछे की तरफ जाकर यहाँ से भी इसके वायर कट दिए हैं और आगे की तरफ से भी खूब घुमाए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मशीन के अंदर यहाँ पे नुकसान इसने कर दिया है, क्योंकि ये जो आर्मेचर है इसके जो वायर है जुड़ नहीं पाएंगे, इसको पूरे को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। और ओरिजिनल आर्मेचर की बिल्कुल ऐसी की तैसी इसने कर दी है कतई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वाइंडिंग के वायर, यहाँ से ये वायर कटा हुआ है, आगे की तरफ से भी यहाँ पे कई वायर काट दिए हैं इसने, जिसकी वजह से मशीन कई जगह कंटिन्यूटी छोड़ रही है। और इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जो आर्मेचर है हमारा स्पार्क कर रहा है। तो दोस्तों मशीन का रीजन आपके सामने आ चुका है, सभी मैकेनिक भाइयों को ध्यान रखना है, आपके टूल बैग में इस तरह आपके लूज स्क्रू या कील बोल्ट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, यदि आप रखते हैं तो उनको किसी बॉक्स में बंद करके रखें। तो दोस्तों मशीन का जो ख़राब होने का रीज़न है उसको हम सबसे पहले कस्टमर को बताएंगे, दिखाएंगे और इसका खर्चा बताएंगे, उसके बाद इसका जो आर्मेचर या कोई भी जो भी स्पेयर हम चेंज करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों दी हुई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसके अलावा सभी प्रकार की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।